दिल्ली च पान मसाला कंपनी दे कर्मचारियां तो 50 लाख रुपए दी लुट दे मामले च दिल्ली पुलिस ने 2 दोषियां नु गिरफ्तार कीता है। 11 अक्टूबर नु 4 व्यक्तियां ने कंपनी दे 2 मुलाजमां नाल कथित तौर ते लुट दी वारदात नु अंजाम दिता सी। दस्या जा रहा है कि मुलजमां ने ट्रैफिक पुलिस दी वर्दी पाई हुई सी ते नकली वायरलेस सेट भी लाए हुए सी। पुलिस ने दस्या कि दोषियां दी पहचान संदीप उर्फ चेतन ते महेंद्र वाजों हुई है। संदीप नु ग्रेटर नोएडा तो ते महेंद्र नु राजस्थान तो गिरफ्तार कीता गया है। पुलिस मुताबक घटना दा मास्टरमाइंड स्कूल दा अध्यापक फरार है। फिलहाल 2 दोषियां दी पाल कीती जा रही है। मुलजमां दे कब्जे विचों वर्दी, खिडौना वायरलेस सेट, मेटल डिटेक्टर ते हथकड़ी बरामद कीती गई है। डिटेक्शन बाय टीम लेड बाय इंस्पेक्टर अरुण सिंधु, एसीपी अरविंद एंड डीसीपी अमित। बिल्कुल क्लूलेस केस था। पुलिस वाले बन के लूट के चले गए थे। मास्क लगा रखे थे, ऊपर से हेलमेट लगा रखा था और कहीं पे उनका कोई सुराग नहीं था। बट इन्होंने बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया, ज़ीरो डाउन किए नंबर्स और फिर राजस्थान यूपी में उनके जो हाइड आउट्स थे वहाँ पे रेड्स की, पकड़ के लाए हैं। अभी एक हरिंदर है जो स्कूल टीचर है, मास्टरमाइंड है, वो अभी भागा हुआ है। और संदीप और महेंद्र को पकड़ा है, उससे पूरी कहानी आई है, कैसे इन्होंने रैकी की, कैसे इन्होंने किंग्सवे कैंप से ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म ली, हैंडकफ्स लिए, टॉय वायरलेस सेट लिया, दिल्ली पुलिस के लोगो वाले मास्क लिए।